नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है विजय कुमार आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को दोस्तों हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे पिकासो जो कि गमराज की कॉमिक्स है इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को पंद्रह पेज तक कवर कर लिया था अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं ओह समझा तो ये पेंटिक्स चुराने यहाँ आया है जो मेरे पास उस आदमी की अमानत है जिसने अपने बिजनेस प्रतिद्वंदी को नीचा दिखाने के लिए नीलामी की होड़ में आकर अपना सब कुछ बेच कर ये पेंटिंग्स खरीदी और वो पागल हो गया मगर पागल खाने जाने से पहले मुझसे टकरा गया तभी से यह पेंटिंग मैंने संभाल कर रखी है मैं नहीं जानता था कि एक दिन ये पेंटिंग्स एक बहुत बड़े चोर को पकड़वाने में मददगार साबित होगी गमराज ने एक तेज झटका देकर पिकासो के हाथों से वो पेंटिंग झटक ली मेरी पेंटिंग पिकासो ने एक चिकलेट मुंह में डाली और अब मैं तुझे करूँगा चिकलेट यानी गालों के बल लिटा दूंगा तुझे आ धड़ाक पिकासो पुनः उस पर उछला लेकिन गमराज सावधान था ये खाट तेरी खाट खड़ी कर देगी पिकासो खटाक तेरे अंदर से चोरी के कीटाणु मारने के लिए तुझे फिनिट कर दूंगा। दूँगा <laughs> पिकासो पुनः जम करके गमराज के निकट पहुंचा और अरे ये क्या कर रहा है काटेगा का क्या नहीं गमराज मैं तुझे किस करूंगा? फिर चाहे तो तुम मुझे पकड़ लेना मुझे किस कर लेने दे गमराज लेकिन तुम मुझे किस क्यों करना चाहता है मैं क्या तेरी प्रेमिका हूँ नहीं पर मैं जिससे पिट जाता हूँ उसको किस करके आत्मसमर्पण कर देता हूँ किस कर लेने दे गमराज गमराज उसे रोता ना देख सका अगर ये बात है तो फिर कर ले मुझे किस किस <laughs> दूसरे पल गमराज को लगा एक त्रिव झटका और ओ अरे ये क्या हुआ मैं बाहर क्यों उड़ा जा रहा हूं <laughs> क्योंकि मैंने तुझे किस करने से पहले र... <laughs> क्योंकि मैंने तुझे किस करने से पहले खाली थी किसमी बार चॉकलेट इसलिए किस करते ही तो बार यानी बाहर चला गया <laughs> अब मैं उठाता हूँ पे... ये पेंटिंग्स जिसका शीर्षक है मेरे बाप का कच्चा <laughs> जबकि इधर गमराज सीधा संकालू के घर का दरवाजा तोड़कर उसके बिस्तर पर जाकर गिरा बचाओ भूत अबे कौन है वे संकालु ये मैं हूं गमराज गमराज ने संकालु को फटाफट सब कुछ कह सुनाया ओह गुरु तो ये बात है आओ देखते हैं अब अब तक तो वो रुका नहीं रहा होगा गमरा संकालु मेरा संदेह ठीक निकला वो पेंटिंग लेकर भाग गया मगर वो कब तक बचेगा मुझे उसने एक नहीं दो रहस्यों का पता लग गए हैं शायद मैं उसे जल्द ही पकड़ लूँगा पर उसके लिए मुझे काफ़ी भाग दौड़ करनी पड़ेगी जो कि मैं यमुंडा के साथ कर लूँगा मेरी बीवी घर पर बेहोश ना पड़ी होती तो मैं भी चलता गुरु घबराज तेजी के साथ निकल गया जबकि इधर अगली रात ओह वो आखिरी पेंटिंग इसी बंगले में है जो कि एक प्रसिद्ध उद्योगपति काट काटा का है लेकिन यहाँ तो गार्ड्स का जबरदस्त पहरा लगा है मगर छत पर कोई नहीं है मैं छत के रास्ते जाऊंगा लेकिन मैं छत तक कैसे पहुंचूंगा ये बलगम खाकर इसके विशाल बब्बल यानी गुब्बारों पर लटक कर <laughs> जल्द ही <laughs> किसी को ये उम्मीद नहीं होगी ये पेंटिंग चुराने पिकासो छत के रास्ते भी अंदर आ सकता है ओह ये रही वो पेंटिंग जिसका शीर्षक है आम के पेड़ पर अमरूद लेकिन तभी बच्चों पिकासो आम के पेड़ पर अमरूद ना कभी उगा है ना कभी उगेगा तो यहां भी हाँ पिकासो मुझे चुराई जा रही पेंटिंग्स के रहस्यों का पता चल गया था और वो रहस्य है पेंटिंग के रंगों में ही मिक्स करके बनाया गया ये निशान यानी अंग्रेजी के तीन शब्द पी के ओ एस ओ ऐसे ही निशान मुर्गी कांडा शीर्षक की उस पेंटिंग में भी था और मेरे बाप का कच्चा नाम के उस पेंटिंग में भी था जो तुम मेरे घर से ही ले उड़ा अब इस पेंटिंग में भी है जिसे तू चुराने आया है इस रहस्य के समझ में आते ही मैंने रात रात ही रात में भाग दौड़ करके ये पता लगा लिया कि ऐसे निशान वाले पेंटिंग्स और किस किस के पास है क्योंकि मेरी मुझे पूरी उम्मीद थी कि पिकासो ऐसे पेंटिंग्स को चुरा रहा है और मेरा शक सही निकला ऐसी एक ही पेंटिंग बची थी जिसे तू चुराने आ पहुँचा तूने ठीक दिमाग लगाया ये मेरे द्वारा चुराई जाने वाली आखिरी पेंटिंग है जिसे मैं चुरा कर जिसे मैं चुरा कर ले जाऊंगा और मुझे कोई भी नहीं रोक पाएगा बस ये टॉफ़ी गोगली मेरे अंदर पहुंचने की देर है मगर इस बार पिकासो की वो मनसा पूरी ना हुई बच्चों पिकासो तेरा दूसरा रहस्य जो मेरी समझ में आया है वो ये है कि तू हमले के पहले कुछ ना कुछ खाता है जिसके बाद तुझमें अद्भुत शक्ति आ जाती है पर अब मैं तुझे कुछ नहीं खाने दूंगा धार। यमुंडा वो टॉफी तू खा ले जो आज्ञा स्वामी जो आज्ञा स्वामी नहीं दूसरे पल ओह स्वामी इसे खाकर तो मैं गुगली बॉल गुगली बॉल की तरह आगे बढ़ा जा रहा हूं तो फिर तो फिर पिकास को कर बोल्ड ये लो स्वामी धड़ाक गवराज जल्द ही उसके निकट पहुंचा ओह इसकी तो हर जेब में कुछ ना कुछ भरा है क्रैक जैक बिस्कुट मैंगो बाइट रोलू कोला चिकलेट्स गुगली टॉफी अब तो पकड़ा जा चुका है पिकासो जल्दी बता कि ये जादुई स्वीट्स तेरे पास कहाँ से आई नहीं तो मैं ये सारी चीजें यमुंडा को खिला दूंगा नहीं मैं तो यमुंडा की एक ही टक्कर बर्दाश्त नहीं कर पाया गमराज लगता है सब कुछ बताने का समय आ गया है हाँ जल्दी बताओ इसी में तुम्हारी भलाई है गमराज मेरा असली नाम पिद्दी का शोरबा है मैं बड़े जोर का मैं बड़े जोर का आर्टिस्ट था मेरे आर्टिस्ट अधीर वर्मा तो मेरी कला का दीवाना था वाह क्या लाजवाब पेंटिंग है अब इस पेंटिंग पर इसका शीर्षक से लिख दूं ताकि ये पता लग सके कि ये ये सीधी किधर से है <laughs> मैंने कई बहुमूल्य कलाकृतियां बनाई मेरी हर कलाकृति के साथ मेरी भावनाएं जुड़ी होती थी चाहे मेरी कलाकृति में मेरा पात्र चूजा था या कीड़ा सब मेरे आसपास के मेरे अपने ही जैसे थे लेकिन एक दिन मेरा असिस्टेंट अधीर मुझे धतूरा खिलाकर मेरे पेंटिंग लेकर चंपत हो गया फिर जब मुझे होश आया मेरी सारी पेंटिंग्स अधीर ले गया मैं गुस्से में कांपता हुआ अधीर के घर पहुंचा तो उसने मुझे समझाया सर हमें इन पेंटिंग्स के लाखों रुपए मिल जाएंगे हम इनकी प्रदर्शनी लगाएंगे थोड़े पैसे आप भी ले लेना हरगिज नहीं मैं अपनी कला को नहीं बेचूँगा तब उसने सीटी मारकर अपने गुंडे को बुलाया और मुझे पीट पीट कर कूड़ेदान में फेंकवा दिया सप्ताह वहां पड़ा रहा आया तो मुझे पता चला कि अधीर ने मेरी सारी पेंटिंग्स लाखों रुपए में बेच दी है मैं गुस्से से कांपता हुआ उसके घर पहुंचा तो पता लगा कि ज़्यादा पैसा देखकर उसका हार्ट फेल हो गया और वो मर गया राम नाम सत्य है मैं उदास घर आ गया ओह मेरी पेंटिंग्स का होनहार पात्र चूजा भी उदास है नाली में, में मेरा पात्र कीड़ा भी नहीं रेंग रहा दीवार पर छिपकीली भी नहीं रेंग रही मेरे बाप का कक्षा भी आंधी में उड़ गया नहीं मुझे वो पेंटिंग्स लानी होगी किसी भी तरह पर मेरे पास तो मेरे पास तो ढेला भी नहीं है एक सप्ताह तक कूड़े कूड़े घर की गंदगी में पड़े रहने के कारण मेरी उंगलियों में अकढोरिया हो गया जिससे उंगलियां इतनी कठोर हो गई कि अब मैं और चित्रकारी नहीं कर सकता था हे भगवान इस जिंदगी से तो मौत भली तभी मेरे घर एक साधु ने कदम रखा और बच्चा तूने मुझे पहचाना नहीं मैं वो हूँ जिसका चित्र तूने सबसे पहले बनाया था और रात्र में वो चित्र बारिश में धुल गया था मैं तेरा दुख दूर करने आया हूँ ले इस थैले में गोलिया गोलिया ट्रॉफियाँ बिस्कुट हैं जिन्हें खाकर तेरी मनोकामना पूर्ण होंगी मैंने जब उन चीज़ों को खाया तो उसके गुण देखे तो मैं झूम उठा अब मैं बनूँगा पिदी का शोरबा से पिकासो चप चप इस प्रकार मैं पिकासो बनकर अपने पेंटिंग्स को लाने निकल पड़ा और मेरे पास एक म, और मेरे पास एक एक एकमात्र रास्ता चोरी की ही था सचमुच तुम्हारे साथ बहुत बुरी गुजरी पिकासो फिलहाल तो तुम्हें जेल जाना ही पड़ेगा मगर मैं पुलिस से कहकर तुम्हारी सजा कम करवाने की चेष्टा करूँगा <laughs> पिकासो को पुलिस से पक पक पिकासो पिकासो को पुलिस पकड़ कर ले गई तो चलिए मुंडा हम भी चले पहले इन सब चमत्कारी चीज़ों को भी समुद्र में फेंकना है क्योंकि अगर ये किसी के हाथ लग गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है तो मिलेंगे आपसे एक और नई कॉमिक्स में तब तक के लिए बाय वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप टेन पिटारा को जरूर से सब्सक्राइब कर देना थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़